नमस्ते ओम शांति। आपको स्वागत है आपके 304 दिन के ईश्वरीय वरदान में। परमपिता परमात्मा आज हमें क्या नई शिक्षा देते हैं, देखें इसके बारे में। बाबा कहते हैं सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की, सर्व के गुण देखने, सबके अंदर गुण देखने। अब गुण देखने की तो आदत पड़ी हुई कलयुग में हमें, तो सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। विस्तार में चलेंगे। बाबा कहते हैं सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए, मतलब कि मन के अंदर कोई भी ऊपर नीचे मूड ऊपर नीचे ना हो, उसके लिए करना क्या है, सदा एक रस उमंग और उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं, आप किसी से मिलते हैं, आप कामकाज करते हैं, घर में कोई आता है काम करने के लिए आपके, या बाहर जाते हैं कहीं पर काम करने के लिए, या दोस्त मिलते हैं, संबंधी मिलते हैं, आते हैं, उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। संतुष्ट कैसे करना है, जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। या तो हमारे अंदर कलयुग की आदत है, नरकवासियों की आदत है कि हम औरों के अंदर बुराइयां देखते हैं, हमारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो हम औरों को ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो इच्छा मात्र अवित्य भी होना है ताकि हम औरों के अंदर बुरी बुराइयां ना देखें। तो बाबा कहते हैं जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज है, कलयुग के अंत में भी जाकर के कहते हैं ना चंद्रमा पूर्ण तो नहीं है लेकिन क्या हो गया, थोड़ी सी लकीर रह गई चंद्रमा की, तो हर एक आत्मा के अंदर जो प्योरिटी थी पहले वो अब क्या होगी, थोड़ी सी तो रहेगी, तो कुछ ना कुछ तो हर एक के अंदर अच्छाई है, उसको देखने की कोशिश करो। सर्व के गुणों का बल मिलने से आप किसी के अंदर अच्छाइयाँ देखते हैं, अच्छा देखते हैं उनके अंदर, सबके अंदर अच्छाइयाँ कुछ ना कुछ है, बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव नहीं आएगी, आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो पावर है, जो मेडिटेशन से आप लेते हैं वो आपकी कम नहीं होगी। हम जनरली कहते हैं कि लाइफ में पॉजिटिव होना चाहिए, हम अपने लिए तो पॉजिटिव हो जाते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मेरे पास ये शक्ति, मेरे पास वो है, मेरे पास ये ज्ञान है, लेकिन जब हम दूसरों को फेस करते हैं तो हम उनके लिए पॉजिटिव नहीं हो पाते कभी। परमात्मा कहते हैं पॉजिटिव सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब कि सबके अंदर गुण देखना ही पॉजिटिविटी है। तो सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा, आपकी जो शक्ति है, आपका जो मूड है, वो सदा काल के लिए अच्छा रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ सिचुएशनल, जैसी कोई सिचुएशन आई है ना, कोई परिस्थिति आई किसी के जीवन में, तो वो उसके अनुसार रिएक्ट करता है, तो हम देखते हैं इसके अंदर तो क्रोध है, इसके अंदर तो अहंकार है, इसके अंदर तो घृणा है, ईर्ष्या है, ये तो व्यक्ति ऐसा निकला। लेकिन परमात्मा कहते हैं वो मत देखो किसी को, क्योंकि हर किसी की आत्मा के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि हर चीज़ को फेस करे। तो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो औरों के बारे में, अरे उसने ऐसे कर दिया, उसने तो ऐसे बोल दिया आपके बारे में, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा, और सर्व के गुण देखने से स्वतः भी गुण मूर्त बन जाएंगे। तो कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था, परमात्मा ने बताया हुआ था जो हमें, कि या तो हंस बनो या तो बगुला बनो, है ना, या तो होली स्वैन बनो जो कि क्या करता है, मोती चुगता है, मोती चुगना मतलब औरों के अंदर अच्छाइयाँ देखना, या तो फिर आप औरों के अंदर कंकड़ पत्थर चुनो, तो आपका मन बुद्धि भी कैसा बन जाएगा, कंकड़ पत्थर जैसा बन जाएगा। तो पत्थर बुद्धि का मतलब क्या हुआ कि औरों के अंदर बुराइयां देखना, और पारस बुद्धि का अर्थ क्या हुआ, मतलब औरों के अंदर अच्छाइयां देखना, पारस मतलब सोने के जैसी बुद्धि। तो परमात्मा कहते हैं अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में सुख शांति हो, उमंग उत्साह सदक ले रहे, आप हमेशा एंथुसियाज्म में रहें, तो औरों के अंदर अच्छाइयां देखना शुरू करो, ये प्रैक्टिस बनाओ। तो मेडिटेशन में भी अगर आपके अंदर कोई हलचल आती किसी व्यक्ति के कारण, तो आप भी उसको मेडिटेशन के थ्रू क्या करो, ये सोचो कि वो परमात्मा का बच्चा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं, कलयुग के अंत में आया हुआ है, इतने जन्म लेकर के वो आत्मा थक चुकी है, तो मैं उसके अंदर बुराइयाँ क्यों देखूँ, वो तो परमात्मा का काम है जजमेंट करना ना करना, लेकिन परमात्मा भी अपने बच्चे के अंदर कभी बुराइयाँ नहीं देखता, तो मैं कौन होता हूँ, परमात्मा ने मेरे को तो ये दिया नहीं है कि मैं उनके अंदर बुराइयाँ देखूँ, तो उन्होंने कोई मेरे को काम थोड़ा दिया हुआ है भगवान ने कि बच्चे सबके अंदर बुराइयाँ देखो किसके अंदर है और मुझे बताओ। उन्होंने कहते हैं वो कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि आपका मूड फिर ऊपर नीचे होता रहेगा उस कारण से, और आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो आज के ये ईश्वरीय वरदान, अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा, मेरे को भी ये प्रैक्टिस करनी है बहुत, हर किसी को करनी है 100% प्योरिटी तक पहुँचने के लिए। आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें।
ओम शांति।